दिवाली के दिन दिल्ली के कई हिस्सों में आग लगने की घटना सामने आई। दिल्ली फायर सर्विस को उस दिन 200 से अधिक कॉल आई। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार दिवाली पर दिल्ली में आग लगने की 201 कॉल हुई। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके के एक रेस्टोरेंट में सोमवार शाम को आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां भेजी गई। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे चलाने पर रोक थी, इसके बावजूद भी लोगों ने पटाखे चलाए। दिल्ली अग्निशमन विभाग को ये उम्मीद थी कि इस बार आग लगने की घटनाएं कम सामने आएंगी। हालांकि दिल्ली में पटाखों पर रोक के बावजूद अग्निशमन विभाग की ओर से किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरा इंतजाम किया गया था। अग्निशमन विभाग ने अपने ड्यूटी पर तैनात अपने कर्मचारियों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। अग्निशमन विभाग ने उम्मीद भी की थी कि पटाखों पर बैन है, इसीलिए इस बार आग की कोई घटना सामने नहीं आएगी। अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ड्रोन के जरिए ऊंची इमारतों की निगरानी के साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में दमकल की गाड़ियां तैनात की गई थी। वहीं दिवाली के अवसर पर दिल्ली पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने राष्ट्र राजधानी के कई हिस्सों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से मुलाकात की और उनके बीच मिठाई बांटी। दिल्ली में पटाखे चलाने की वजह से प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ गया है। दिल्ली से नवदीप टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।